वेलकम बैक गाइस। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सिनेमास कलेक्शन में। तो आज हम बात करेंगे किसी का भाई किसी की जान मूवी के 88 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और साथ ही साथ जानेंगे कि मूवी का कितना रहा है टोटल कलेक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। जैसे कि आपको पता ही है कि किसी का भाई किसी की जान मूवी के लीड में आपको दिखाई देंगे सलमान खान एंड वेंकटेश। जी हाँ गाइस, सलमान खान और साउथ के वेंकटेश, और उसके साथ साथ यानी कि सपोर्टिंग कास्ट में आपको राघव जुयाल, सिद्धार्थ निगम और पूजा हेगड़े, और उसके साथ साथ शहनाज गिल एंड साथ ही साथ आपको जस्सी गिल भी दिखेंगे। तो यानी कि अगर बात करिए स्टार कास्ट की तो मतलब क्या ही बताएं, मतलब एक से एक बेहतरीन स्टार कास्ट आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगी। आज जिससे कि इस मूवी का जो बजट है वो 110 करोड़ के करीब हो जाता है। जी हाँ, इस मूवी का जो बजट है वो 110 करोड़ है, और जिस वजह से इस मूवी को लोग सोच रहे थे कि हो सकता है बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप हो जाए, क्योंकि काफ़ी हाई बजट मूवी है और इसको खुद ही सलमान खान ने डायरेक्ट भी किया है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कितना किया है कलेक्शन इसने टोटल, यानी कि अपने 8 दिनों में। तो बात करते हैं फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। तो इसने पहले दिन यानी कि 15 करोड़ 81 लाख की ओपनिंग ली, जिससे कि लगा लोगों की कि यार मतलब मूवी ने काफ़ी अच्छी ओपनिंग नहीं ली है, और मतलब हो सकता है कि लाइव आगे जाके ये मूवी फ्लॉप हो जाए। बट सेकेंड डे ही यानी कि दूसरे ही दिन यानी कि सैटरडे को इस मूवी ने काफ़ी जंप दिखाई। जी हाँ, लगभग 40% का जो है कि इंक्रीमेंट देखने को मिला, और इस मूवी ने कमाई लगभग 26 लाख। जी हाँ, लगभग 26 करोड़। बात करते हैं थर्ड डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, यानी कि संडे के बारे में। तो संडे ऑफ होने की वजह से यानी कि इसने और थोड़ी सी जंप दिखाई और कमाई 27 करोड़। जी हाँ, 27 करोड़। बात करते हैं चौथे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, चौथे दिन इस मूवी का कलेक्शन रहा पूरा 9 करोड़। बात करते हैं पाँचवें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो पाँचवें दिन का इस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो था 7 करोड़। बात करते हैं हम इसके यानी कि सातवें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, यानी कि छठे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो यानी कि छठे दिन का यानी मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो लगभग 5 करोड़ था। जी हाँ, इस लगभग 5 करोड़। बात करते हैं सातवें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, यानी कि कल के बारे में। तो यानी कल इस मूवी ने जो कलेक्शन किया था वो किया था लगभग 4 करोड़ का। जी हाँ, इस लगभग 4 करोड़ का। और बात करते हैं आज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो आज इस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहने वाला है वो रहने वाला है लगभग 3 से 3.5 करोड़। जी हाँ भाई, 3 से 3.5 करोड़, क्योंकि आज PS2 और अजेंट जैसी बेहतरीन मूवी रिलीज़ हो चुकी है सिनेमाघरों में, जो कि रोकने का नाम नहीं ले रही है, और फिर भी है मूवी आज अपने यानी कि अब वीकेंड में यानी कि अभी तक मुझे को लगता है रुकेगी नहीं, और मतलब काफ़ी ज़्यादा कमाती चली जाएगी। और आज भी है मूवी 3 से 3.5 करोड़ कमा रही है, जिससे कि इस मूवी का जो टोटल कलेक्शन हो जाता है वो हो जाता है यानी कि इंडिया नेट कलेक्शन 99 करोड़। दिया गया इस 99 करोड़। बात करें वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो यानी कि वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर यह मूवी अपने 155 करोड़ कमा चुकी है टोटल 8 दिनों में। जी हाँ गाइस, 8 दिनों में 155 करोड़ कमा चुकी है, और एक सुपर हिट मूवी हो चुकी है, और अभी तो यह मूवी और भी चलेगी, तो मुझे लगता है कि यह मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन जाएगी और अपने लाइफ टाइम कलेक्शन में कम से कम तो 250 करोड़ कमा ही लेगी। जी हाँ गाइस, मुझे लगता है कम से कम 250 करोड़। आपको क्या लगता है आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।